मानते हैं कि नहीं फिर? अच्छा फिट सीन था। अरे कम से कम फोन तो उठा, कोई मसला होगा तुम्हारी दुरैया जी को, बार बार फोन कर रही है इसको। यही तो फर्क है तुम लोगों में और मुझ में। तुम लोग लड़कियों के पीछे भागते और मैं लड़कियों को अपने पीछे भगाता। ये देखो, लड़कियां जो होती है ना वो परिंदों की तरह होती है, उन्हें पहले दाना डालो, उस दाने की आदत डालो और जब आदत लग जाए तो फिर हाथ खींचो और फिर सुकून से बैठ के उन्हें तड़पता हुआ देखो। उस गेम का मजा ही कुछ और। शाहरुख भाई ऐसा ना हो कि तड़प तड़प के मर जाए, हमारा क्या होगा? और देख तूने वादा किया था, फार्म हाउस हो गया। हाँ सही कह रहे। नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा, वो खुद चल के आएगी। हो गया सर, तुम लोग बस देखते जाओ और सीखते जाओ। नहीं जब चिड़िया खुद जाल में फंसना चाहती है तो हम मेहनत क्यों करें? मेहनत तब करेंगे ना जब करनी होगी। ऐसे ही तो नहीं हमारे शाहरुख भाई को लव गुरु कहते हैं? क्या बात है शाहरुख। बात क्या करो मुझसे, तुम्हारा दिल नहीं करता मुझसे बात करने को? बस पता नहीं मैं वो टाइप नहीं हूँ जो हर वक्त फोन पे क्या खाया क्या पिया। सॉरी, आपको सिर्फ ये बताना था कि शी इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद अस, और आपको पिक्चर भेजने का मकसद ये है कि आपको ये बता दिया जाए कि हमने ऐसा क्यों किया। तुमने या सारा ने कुछ ऐसा वैसा किया जो जमाने की पकड़ में आ जाए तो उसका खुमियाजा तुम दोनों को एक साथ भुगतना पड़ेगा। एक दूसरे को समझो बेटा, समझाओ एक दूसरे। भाई देख लो, सोच लो, शादी करोगी ना मुझसे, क्या मेरा भरोसा गलत तो नहीं? तुम्हारा भरोसा बिल्कुल ठीक है। तुमने बहुत जल्दी अम्मी से बात नहीं कर ली, इतना ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा है। मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पे। तो फिर मैं आज तुमसे वादा करता हूं, सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा, कोई दुख कोई परेशानी तुम तक नहीं आने दूंगा, हमेशा खुश रहोगे तुम। खुशियों की दुआ तो सभी मांगते हैं, असल बात तो ये है कि हम गम में भी साथ और एक दूसरे को कभी ना छोड़ें। का साथ होता है ना तो दुख दुख नहीं रखता। चल मैं स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, तो फिर मैं आज तुमसे वादा करता हूँ
कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमारी मोहब्बत का पहला तोहफा तुम्हारी खूबसूरत कलाइयों के लिए बहुत अरमान से खरीदा है मैंने। हाथ लो। के कजन को बुला लिया है तुमने? हाँ बस आता ही होगा, याद रखना कोई मिस्टेक नहीं होने चाहिए। आओ। आ रही हूं भाई। जी आप कौन? हेलो आंटी, हमें सारा से मिलना है, ये उसी का घर है ना? हाँ आप कौन? हम एक्चुअली उसके ऑफिस से आए हैं, ऑफिस का ही कुछ काम था। आप उसे बुला दें या हमें अंदर आने दें? आई अंदर आई। वैसे आप लोग आए क्यों हैं? सारा तो ऑफिस छोड़ चुकी है। जी आंटी, इसीलिए तो मिलने आए हैं। एक्चुअली वो हमें से किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रही है और ऑफिस के कुछ कॉन्फिडेंशियल्स हैं उसके पास, बस वही रिसीव करने आए। क्या है उसके पास? मतलब कि जरूरी कागजात हैं उसके पास। लेकिन आंटी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। तुम कब आए सारा के घर? मतलब घर तक नहीं, दरवाजे तक, ड्रॉप वगैरह के लिए। आंटी प्लीज आप सारा को जरा जल्दी बुला दें, हम जरा जल्दी में हैं। बैठे हैं, बुला रही हूँ।